संसद के मानसून सेशन का तीसरा हफ्ता सोमवार से शुरू हुआ। बीते दो हफ्ते काफी हंगामेदार रहे हैं। विपक्ष आज भी कोरोना वायरस महामारी, कृषि कानून और पेगासस जासूसी के मसले पर केंद्र सरकार को टारगेट कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 पेश करेंगे। केंद्र सरकार ने सैटेलाइट मैपिंग के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों का सीमा विवाद सुलझाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया है कि मैपिंग का काम नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को दिया गया है। पेगासस जासूसी मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी या नहीं, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई करेगा। पेगासस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने पिटीशन फाइल की थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अर्जी पर सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी। रविवार को कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख दी। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 40,627 नए मरीज मिले हैं, 36,627 ठीक हुए और 424 ने जान गंवाई। इस तरह अब एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 408,343 हो गई है। इसमें लगातार 6 दिन से बढ़ोतरी हो रही है। ये 26 जुलाई को घटकर 392,694 तक हो गए थे। कोरोना महामारी ने चिंता बढ़ा दी है क्योंकि दुनिया के कई देशों में कोरोना के मरीज एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। दुनिया में 6,43,331 मरीज मिले, इसमें से 52% केस अमेरिका, भारत, फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे 20 देशों में मिले हैं। अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा 99,470 केस मिले। यह आंकड़ा फरवरी के बाद सबसे बड़ा है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा। कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो के फाइनल में उतरेंगी। कमलप्रीत अगर मेडल जीतती हैं तो वो एथलेटिक्स में मेडल लाने वाली पहली भारतीय बन जाएंगी। कमलप्रीत का इवेंट शाम 4 बजे होना है। देश के कई इलाकों में बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं के बीच मौसम विभाग ने जुलाई में बारिश के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक पिछले महीने देश भर में सामान्य से 7% कम बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून ने रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन आखिरी में ये महीना 7% की कमी के साथ खत्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इन दिनों तेजी बनी हुई है। कच्चा तेल $75 पार कर गया है। हालांकि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका कोई असर फिलहाल नजर नहीं आ रहा। दरअसल भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने आज भी ईंधन के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया है। बता दें कि ये लगातार 16वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर बने हुए हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में खरीदारी है। सेंसेक्स 287 पॉइंट ऊपर 52,873.85 पर कारोबार कर रहा है। इंडेक्स में शामिल 30 में से 25 शेयरों में बढ़त है, जिसमें टाइटल और एक्सिस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा 1-1% की बढ़त है। इसी तरह निफ्टी भी 93 अंकों की बढ़त के साथ 15,856.35 पर कारोबार कर रहा है।